छत्तीसगढ़ में 4 बजे तक 55.29% तक वोटिंग हुई है। बिलासपुर में अगर बात करें तो 50.99% और जांजगीर चांपा में 55.22% वोटिंग हुई है। कोरबा में बात करें तो 56.50% वोटिंग हुई है। दुर्ग में 54.30% वोटिंग हुई है। रायपुर में 52.73% वोटिंग दर्ज की गई है। सरगुजा में 59.72% वोटिंग दर्ज की गई है। रायगढ़ में 58.93% वोटिंग दर्ज की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में तीसरे चरण के लिए 7 सीटों पर मतदान हुआ है। सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चंपा में मतदान हुआ और कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर सीट पर भी मतदान हुआ। हमने आपको बताया कि 4 बजे तक छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में कितने प्रतिशत तक मतदान अभी तक हुआ है। 55.29% तक छत्तीसगढ़ में मतदान दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 7 सीटों के लिए मतदान हुआ और 55.29% वोटिंग दर्ज की गई। बिलासपुर की अगर बात करें 50.99% वोटिंग दर्ज की गई। जांजगीर चंपा में 55.22%, कोरबा में 56.50% वोटिंग हुई, दुर्ग में 54.30, रायपुर में 52.73, सरगुजा में 59.72% वोटिंग दर्ज की गई। रायगढ़ की अगर बात करें तो रायगढ़ में 58.93% वोटिंग दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए 7 सीटों पर मतदान हुआ। सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चंपा में मतदान हुआ। इसी के साथ कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर सीट पर भी मतदान हुआ। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ अनिल पुसाचकर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, अब तक अगर बात करें तो कितने प्रतिशत तक छत्तीसगढ़ में वोटिंग दर्ज की गई है? देखिए, अमूमन जो है 60% के आसपास सभी लोकसभा क्षेत्र में मतदान होने की खबर आ रही है और मतदान काफी अच्छा हुआ है। सभी जिलों में जो है उत्साह देखा गया। सभी संसदीय क्षेत्रों में जो है लोग निकल कर आए। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी। दोपहर को जरूर गर्मी बढ़ने के बाद, धूप चढ़ने के बाद जो है मतदान की रफ्तार धीमी हुई, लेकिन शाम होते होते जो है ऐसा लगने लगा था दोपहर को शायद मतदान कम होगा, लेकिन जो है दोपहर के बाद फिर से लोग निकले और 60% के ऊपर ही आना चाहिए। अंदाज ऐसा है कि 60% के ऊपर ही सभी लोकसभा में आएगा। अभी रिपोर्ट आ रही है, मतदान खत्म हो चुका है लेकिन रिपोर्ट आ रही है। तो 71 सुदूर क्षेत्रों में जो है, जो सरगुजा में जो है, रामपुर, कोरिया, रामपुर एक विधानसभा क्षेत्र है सरगुजा में, वहां तो 73% तक मतदान होने की खबर आई है। कुल मिलाकर जो है मतदान बहुत उत्साहपूर्ण था और लोगों ने अपने मताधिकार का भरपूर उपयोग किया और ये लोकतंत्र का जो महापर्व है उसका उन्होंने बिल्कुल अपने अधिकारों का प्रयोग किया। जी अनिल जी, किस तरीके से उत्साह देखने को मिला इस बार छत्तीसगढ़ में मतदाताओं के अंदर? युवा भी जमकर निकले, युवा निकले, खासकर महिलाएं, महिलाओं के बीच तो लंबी लंबी कतारें देखने मिली और सभी एक ऐसा उनको लग रहा था कि नहीं, हम एक बड़े सरकार जो है, हमको 5 साल के लिए जो है केंद्र में सरकार थी, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव से निपट कर आया है, तो वो एक जो टेंपो बना हुआ था चुनाव का, मतदान उन्होंने उस समय भी किया था, 3 महीने पहले ही सरकार बनी है, तो उस सरकार के बाद अब आज उनको केंद्र में सरकार चुनने का था, तो सभी बहुत बेहद उत्साहित थे।
खासकर युवा वर्ग और पहली बार जो मत देने निकला था मतदाता, वो तो बहुत उत्साह में था। सभी के चुनाव के मुद्दे जरूर अलग हो जाते थे कि इस चुनाव में जो सातों सीट है जो आज जिन पर चुनाव हो रहा है तीसरे और अंतिम चरण में, छत्तीसगढ़ के अंतिम चरण में, उसमें सभी की सभी सातों सीटों पर भाजपा के सांसद थे जिनका टिकट काट दिया गया था। हालांकि दुर्ग में जरूर कांग्रेस के सांसद थे ताम्रध्वज साहू, जो आज छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री है, विधानसभा चुनाव लड़के जीते और वो मंत्री है। तो छह सीट जो है यहाँ पर बीजेपी की सात दांव पर लगी है और कांग्रेस के पास इसे खोने के लिए केवल एक सीट थी जहाँ पर वो उनके जो सांसद थे वो मंत्री बन चुके हैं। इसमें सारी की सारी प्रतिष्ठा भाजपा की दांव पर लगी हुई है, कांग्रेस को इसमें खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सब कुछ है। विधानसभा में जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन था तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने प्रदर्शन को दोहराने में सफल होगी, लेकिन चुनौती बहुत कठिन है क्योंकि मुद्दे अलग है और यहाँ पर भी जो है मोदी की जो है प्रत्याशी से ज्यादा मोदी जी के नाम पर लोग मोहर लगा रहे हैं। जी जी अनिल जी, अगर बात करें मुद्दों की तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर यहाँ के लोगों ने वोट दिया? आप फील्ड में उतरे होंगे, आपने लोगों से बातचीत की होगी, तो किन मुद्दों को फोकस में रखकर लोगों ने वोट दिया? राज्य विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार का जो कांग्रेस का जो राज्य सरकार राज्य में चुनाव होते उसे घोषणा पत्र था बेहद आकर्षक था और लोग उस पर उनको लगा कि नहीं ये हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो धान की कीमत और बिजली की कीमत कम होना था, तो ये सब बातों पर वो आकर उन्होंने भरपूर मतदान किया था कांग्रेस के फेवर में। लेकिन कांग्रेस पूरे मामले आज तक जो है उसमें कहीं ना कहीं आगे में अटकी हुई है, कहीं वो आरोप लगा रही है कि हमारे दालवास जो यहाँ पे जो मजदूरों के लिए गरीबों के लिए भोजन सेंटर होते थे सरकारी, वहाँ पे बोले सरकार केंद्र सरकार हमारा चावल रोक रही है, फिर कह रही है धान खरीदी में जो है हमारा चावल रोक रही है। तो केंद्र और राज्य की लड़ाई का जो है वो असर वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि केंद्र में अगर मजबूत सरकार नहीं रही तो यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल होना है। दूसरी बात, शराबबंदी में राज्य सरकार फेल होती नजर आ रही, शराबबंदी आज तक नहीं हुई जबकि इनका बड़ा वो बड़ी मांग बड़ा एक बड़ी घोषणा थी कि हम शराबबंदी राज्य में आते ही बंद कर देंगे। शराबबंदी से महिलाएं जो है वो बहुत ज्यादा उत्साहित थी कि शराबबंदी अगर होती है तो वो बहुत खुश थी, उन्होंने आंदोलन किए थे, राज्य भर में आंदोलन हुए थे महिलाओं ने, हर गांव में जो है शराबबंदी के सामने जाकर महिलाओं ने घेराव किया था, भाजपा सरकार में लाठियां खाई थी। और उसके बाद उनको जब कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था वो शराबबंदी आई तो उनको बहुत उनको आकर्षित किया था उस घोषणा ने, लेकिन वो पूरी भी होती नहीं आ रही है। तो इसलिए अब थोड़े मुद्दे से बदलते हैं। देखिए यहाँ पर आज भी जो है जो युवा जो है वो मोदी पर ज्यादा विश्वास व्यक्त कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं देश को जो है मोदी ही बना सकता है। राहुल गांधी की विश्वसनीयता जो उनके बयान बदलते रहते हैं उसको लेकर कम हुई, आज जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है अवमानना का वो भी एक फैक्टर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी सारे नए हैं, ठीक है, सारे के सारे 10 के 10 सांसदों के टिकट काटकर एकदम नए चेहरे फ्रेश चेहरे भाजपा ने दिए हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा का जो माहौल है वो प्रत्याशी के दम पर, प्रत्याशी के साथ ऊपर पार्टी का पार्टी संगठन और मोदी जी का नाम जो है वो काम कर रहा है। तो भाजपा अपने प्रधानमंत्री के नाम पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस यहाँ पर जो है अपने राज्य सरकार के जो चावल में जो उन्होंने उसकी न्यूनतम मूल्य वृद्धि की थी और बिजली का बिल जो बात किया था उस आधार पर चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ व्यास नारायण जुड़ चुके हैं कोरबा से, उनसे जानेंगे। व्यास जी, कितना प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई कोरबा में? जी यहाँ की लास्ट जो परसेंटेज जो अभी आई है जी 68.66% का ये वोटिंग हुई है यहाँ पे। जी जी व्यास जी, आपने बात की होगी वोटरों से, किस तरह से वोटर किन मुद्दों पर वोट करते हुए नजर आए? जी इस बार मतदाता जो ऐसे जागरूक रहे हैं यहाँ पे और मुद्दा उनका यही था कि हम लोगों को जो यहाँ पे जो हो रहा है रोजगार से लेकर के ये सब सारी मुद्दा इन्होंने रखा, यहाँ पे सरकार हमको अच्छी मिले और हम अच्छे मतलब समय आए हमारा, ऐसा इनका कहना था। जी जी, उत्साह किस तरह का नजर आया वोटरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया लोगों ने? महिलाओं की अगर बात करें तो क्या महिलाओं वहाँ पर दिखी उत्साह में? जी इस बार देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस बार महिलाएं ही दिखी यहाँ पे उत्साहित, वो क्या है सुबह 6 बजे से लेकर के लाइन लगाई हुई थी और अच्छा खासा उनका लाइन था और अच्छा परफॉर्मेंस मिला महिलाओं का। जी
जी व्यास जी, अगर बात करें तैयारियों की तो प्रशासन की तरफ से तैयारियां किस तरह की नजर आई, क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत नजर आई मतदाताओं के लिए? जी ऐसा तो यहाँ पे कोरोना में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। कहीं एक दो जगह जो हुआ था, कहीं पानी वाली की व्यवस्था नहीं थी, कहीं पे वो टेंट नहीं लगा हुआ था, जिसके कारण से धूप का सामना करना पड़ा लोगों को। और आप देखा जाए तो काफी ज्यादा ही धूप था, उसके बावजूद मतदाता जो है लाइन पर खड़े रहे और अपने मत का बिल्कुल प्रयोग किया है उन्होंने। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। जांजगीर चांपा से हमारे साथ अमर केसरवानी जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। अमर जी, क्या कुछ प्रतिशत दर्ज किया गया अब तक जांजगीर चांपा में? देखिए मुनिका जी, आपको बता दें कि अभी 5 बजे की जो टाइमिंग थी, उस 5 बजे की टाइमिंग के अनुसार अभी 60% के हिसाब से अभी वो दर्ज किया गया है अभी। और अभी अंदर जो 5 बजे के बाद जो गेट बंद हो जाती है, उसके बाद से अभी और भीड़ अभी मौजूद है। कम से कम 65 से 68% की समथिंग जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से प्रतिशत जाया गया है मुनिका जी। जी मुनिका जी, जी अमर जी, पिछली बार की अगर प्रतिशत की बात करें तो पिछली बार के प्रतिशत से ज्यादा बेहतर रहा या नहीं? जी 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 मुनिका जी, पिछले बार के प्रतिशत से समथिंग कम से 4 से 5% ये ज्यादा ही जा रहा है, कम नहीं जा रहा है, क्योंकि लोग इतनी धूप के बावजूद लाइन पे खड़े रहे हैं। और प्रशासन की कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं थी जहाँ टेंट वेंट की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई थी, उसके बाद भी लोग इतनी तेज धूप के लाइन पे लग के और अभी भी वोटिंग चल रही है। जी, तो कुल मिलाकर लोगों में उत्साह काफी नजर आया, कड़ी धूप में भी लोग वहां पर खड़े हुए नजर आए लंबी कतारों में। जी जी मुनिका जी, इतनी उत्साह थी, लोग सेल्फी जोन वगैरह तैयार थे यहाँ पे, और सेल्फी जोन पे वहाँ पे वोट डालने के बाद सेल्फी जोन पे जाके फिर फोटो भी खिंचाते नजर आए, मतलब उत्साह बहुत अच्छी नजर आ। नए नए वोटर्स पे अभी उत्साह देखे गए, वृद्धों पे उत्साह देखे गए, प्लस अभी उनके लिए व्हील चेयरों की भी व्यवस्था थी दिवंगत के लिए, तो वहाँ भी मतलब अच्छी तरीके से एकदम शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह भी नजर आया इनके। जी आप फील्ड पे उतरे होंगे अमर जी, क्या कुछ कहना था वोटरों का, किन मुद्दों को लेकर वो गए, क्या मुद्दे उन्होंने जहन में रखे हुए थे उन्होंने वोटिंग की? मोनिका जी, आपको बता दूं कि कई ऐसे नए नए वोटर्स थे, उनका सिर्फ ये उत्साह था कि मैं एक वोट डालूं। और दूसरी बात, कई लोग ऐसे थे जो 72,000 के लिए देखे थे, क्योंकि अभी जो घोषणा पत्र में इनके राहुल जी का जो आया हुआ था कि 72,000 रुपया सालाना मिलेंगे, उनसे लेकर कई लोगों से हमारी जो बातचीत हुई तो 72,000 के लिए बात की, लेकिन कई लोगों का एक स्पेशल वो था कि हमको तो सिर्फ मोदी ही चाहिए देश पे। तो चेहरे जो स्थानीय हैं तो हैं, लेकिन जो वोट डला हुआ है वो हम बोल सकते हैं कि या तो मोदी या तो फिर राहुल के इसमें डला हुआ है। जी महिलाओं का क्या कुछ कहना था, महिलाएं दिखी उत्साह में, क्या उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया मतदान में? देखिए मुनिका जी, बता दूं आपको कि महिलाएं जो हैं, जितनी भी महिलाएं जो धूप में वहां पे खड़ी होकर वो वोट वगैरह वगैरह डाल रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ उत्साह से भरी हुई और सुविधा के रूप पे आके यहाँ पे वोट डाले हुए हैं। जी जी अमर जी, प्रशासन की तरफ से तैयारियां किस तरह की नजर आई? मुनिका जी, प्रशासन की तरफ से तैयारियां तो बहुत अच्छी थी, जवानों की व्यवस्थाएं की गई थी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भी लोगों के लिए पानी की व्यवस्था थी, टेंट की व्यवस्था, कहीं कहीं ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। जैसे स्वयं रविशंकर भारद्वाज की जो बूथ क्रमांक है 163 के, उसमें उस पर दिवंगत के लिए जो व्हील चेयरों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, प्लस टेंट नहीं लग पाई थी, तो वो उन्होंने उस चीज के लिए भी कहा, प्लस कई ऐसी समस्याएं भी आई बीच बीच में, क्योंकि वोटर की कभी मतलब अलग उसमें बूथ में, लेकिन अभी उनका नाम कहीं अलग बूथ में आ गया, तो वो एक थोड़ी सी परेशानी आ रही थी, लेकिन प्रशासन ने इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और लोगों के जो वोटिंग के लिए जो जा रहे थे, जिनको जो परेशानियां हो रही थी, उस परेशानियों को हैंडल करते हुए प्रशासन ने अभी बहुत अच्छा शांतिपूर्ण मतदान भी संपन्न किया है। जी, युवाओं से आपने बात की होगी अमर जी, इस बार युवाओं का किस तरह से उत्साह नजर आया और किन मुद्दों पर उन्होंने वोटिंग की? युवाओं का तो मुनिका जी, आपको बता दूं, सिर्फ एक ही मुद्दा था, विकास और रोजगार, क्योंकि जो इनके घोषणा पत्र में दिए गए थे 172 और मोदी जी का जो अभी 5 साल के काम काज है उनको देखते हुए आए, मतलब सिर्फ उनको विकास विकास को ही देखते हैं सारे मुद्दों पे अपना ये लोग वोट डाले हैं वोटर्स। और इनका ये कहना है कि रोजगार चाहिए, रोजगार विकास और रोजगार, सिर्फ दो ही मुद्दे लेके यहाँ पे वोटिंग किए हैं जितने भी जो युवाएं हैं। जी मुनिका जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अमर जी उत्साह देखने को मिला जांजगीर चांपा में और अच्छे तरीके से सही ढंग से जो है मतदान हुआ और प्रतिशत भी ठीक ठाक दर्ज किया गया पिछली बार के हिसाब से अगर देखा जाए इस बार तो।
जी 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 मोनिका जी, उत्साह तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि कड़ी धूप में इतनी तेज धूप के बावजूद जो कहीं कहीं व्यवस्थाएं नहीं थी टेंट वगैरह की, उसके बाद भी लंबी कतार पे घंटों इंतजार करके जो वोट डालने के लिए वहां पे गए, उत्साह तो एक हिसाब से देखा जा सकता है। और परसेंट की अगर बात की जाए तो परसेंट पिछले बार से कुछ ज्यादा ही रहा है, कम नहीं रहा है, क्योंकि अभी 5 बजे तक तो 60% मतदान अभी तय किया गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी लाइनें लगी पड़ी है और अंदर पे दरवाजे बंद होने के बावजूद अभी मतदान चल ही रहे हैं। अब देखते हैं कितना समय तक जाते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी उत्साह देखा गया अभी यहाँ जांजगीर लोकसभा से, और उत्साह इस तरह से देखा गया कि वोट की प्रतिशत भी बढ़ गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।